नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 20 जनवरी। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि रोजगार से जुड़े डेली टॉप 5 न्यूज से अपडेटेड रहने के लिए आप हमारे नए यूट्यूब चैनल GOV PVT को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की तरफ। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज पटना ने जूनियर रेजिडेंट पद के लिए आवेदन की मांग। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज पटना ने जूनियर रेजिडेंट पद के लिए आवेदन की मांग की है, जिसके लिए कुल मिलाकर 40 वैकेंसीज निकाली गई है। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उम्मीदवार के पास MBBS की डिग्री होना अनिवार्य है। इन पदों के लिए निर्धारित उम्र सीमा अधिकतम 33 साल तय की गई है। वहीं आखिरी तारीख 30/1/2021 तय की गई है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार एम्स की आधिकारिक वेबसाइट www.aimspatna.org पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। साथ ही आप इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेब लिंक पर जाकर ले सकते हैं। बिहार के बहादुरगंज, अररिया और मुंगेर मिर्जा चौकी फोर लेन सड़क की मिली मंजूरी। बिहार की दो अहम अररिया गलगलिया और मुंगेर मिर्जा चौक सड़कों की मंजूरी मिल गई है, जिसके बाद मंजूर हुई 103 किलोमीटर लंबी सड़क पर लगभग 2,500 करोड़ रुपए के खर्च का अनुमान लगाया गया है। केंद्र की मोदी सरकार ने बिहार को यह बड़ी सौगात दी है। दोनों सड़कों में 80% जमीन अधिग्रहण के बाद NHAI की बिहार इकाई ने इसके लिए टेंडर की मंजूरी केंद्र सरकार से मांगी थी। केंद्र सरकार ने दोनों सड़कों की मंजूरी के साथ ही टेंडर जारी कर दिया है, जिसकी आधिकारिक सूचना जल्द ही जारी कर दी जाएगी। बिहार में अभी और सताने वाली है ठंड। बिहार में ठंड से फिलहाल आने वाले दो दिनों में लोगों को कोई राहत नहीं मिलने वाली है। जानकारों की माने तो बिहार में आने वाले दो दिनों में शीतलहर का प्रभाव देखने को मिलने वाला है। बढ़ती ठंड को ध्यान में रखते हुए ही मौसम विभाग ने बीते दिन 26 जिलों में कोल्ड डे अलर्ट जारी कर दिया है, जिसके तहत पटना की तरफ से दी गई आधिकारिक जानकारी के मुताबिक पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, बेगूसराय, लखीमपुर, नवादा, पश्चिम चंपारण, सिवान, सारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर, समस्तीपुर, बक्सर, भोजपुर, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद, जहानाबाद और अरवल में कोल्ड डे का अलर्ट जारी कर दिया गया है। बिहार में कोरोना के मिले 100 से ज्यादा मामले। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 189 मामले सामने आए हैं, जिसके बाद प्रभावितों की संख्या बढ़कर 2,59,072 पर पहुंच गई है। वहीं प्रभावित टॉप 3 जिलों की बात करें तो राजधानी पटना में 63 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही सारण में 12 और बेगूसराय, मुजफ्फरपुर और वैशाली में 10 मामले सामने आए हैं। गणतंत्र दिवस में शामिल होगी बिहार की भावना कंठ। बिहार के दरभंगा जिले के बाउर गांव की रहने वाली महिला फाइटर पायलट भावना कंठ इस साल के गणतंत्र दिवस की एयरफोर्स की झांकी में शामिल होकर पूरे देश में बिहार का मान बढ़ाने वाली है, जिसको लेकर भावना तैयारियों में जुटी हुई है। मिली जानकारी के अनुसार राजपथ पर इस साल भारतीय वायुसेना की झांकी में देश में निर्मित हल्के लड़ाकू विमान तेजस, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, राफेल, सुखोई 30, रोहिणी रडार, आकाश मिसाइल आदि आकर्षण के केंद्र बनेंगे। आपको बता दें भारतीय वायुसेना ने इन्हें 18 जून 2016 को दो अन्य महिला पायलट के साथ फ्लाइंग ऑफिसर के रूप में चुना था। बिहार में शुरू हुई डोर स्टेप बैंकिंग सेवा। बिहारवासियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बिहार में डोर स्टेप बैंकिंग सेवा की शुरुआत की गई है, जिसके तहत स्टेट बैंक के अलावा अब पंजाब नेशनल बैंक ने भी डोर स्टेप सर्विस की शुरुआत की है। इस सर्विस में पिकअप सेवाएं, डिलीवरी सेवाएं और अन्य कई सेवाएं शामिल है। डोर स्टेप बैंकिंग में जो सेवाएं दी जा रही है उनमें कैश पिकअप, कैश डिलीवरी, चेक पिकअप, चेक रिक्विजिशन स्लिप पिकअप, फॉर्म 15H पिकअप, टर्म डिपॉजिट एडवाइस की डिलीवरी, फाइल सर्टिफिकेट पिकअप और KYC डॉक्यूमेंट पिकअप शामिल है। चमकी बुखार को लेकर बिहार में प्रशासन हुई सतर्क। बिहार समेत दूसरे राज्यों में पिछले साल चमकी बुखार ने आम लोगों की काफी ज्यादा परेशानी बढ़ा दी थी। हालांकि इस बार सरकार पहले से ही पूरी सतर्कता के साथ काम कर रही है, जिसके तहत इस बार गर्मी आने से पहले ही राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज प्रशासन अलर्ट मोड पर काम कर रही है। आयुर्वेदिक कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर दिनेश्वर प्रसाद के नेतृत्व में चमकी बुखार, कुपोषण आदि संक्रमण बीमारियों से निपटने के लिए युद्ध स्तर पर तैयारी भी शुरू कर दी गई है। बिहार के सरकारी स्कूल में अब होगी सड़क सुरक्षा नियमों की पढ़ाई। सड़क सुरक्षा नियमों को सरकारी स्कूल में पाठ्यक्रम में शामिल करने की पहल शुरू की गई है, जिसके तहत कक्षा 8 से 10वीं तक के पाठ्यक्रम में शामिल करने को लेकर सरकार में सहमति बनी हुई है। इसको लेकर परिवहन मंत्री शीला कुमारी ने यह जानकारी साझा की है। इसको लेकर उन्होंने कहा है कि सड़क सुरक्षा नियमों को 8वीं से 10वीं तक के पाठ्यक्रम में शामिल करने को लेकर शिक्षा विभाग को प्रस्ताव भेज दिया गया था, जिस पर अब सहमति भी बन गई है। इसके साथ ही उन्होंने सड़क दुर्घटना में घायल हुए लोगों की मदद करने वालों को गणतंत्र दिवस के मौके पर सम्मानित करने की बात भी कही है।
सस्ता और खस्ता भागलपुरी पापड़ की मांग अब विदेशों में भी। बिहार के लोगों को अचार पापड़ से खास लगाव देखने को मिलता है और यही कारण है कि बिहार के भागलपुर जिले में बनने वाला खस्ता भागलपुरी पापड़ की मांग बिहार के साथ साथ समूचे देश में देखने को मिल ही जाती है, जिसके बाद अब इसकी मांग विदेशों में भी बढ़ती देखी जा रही है। पूर्वोत्तर राज्य के अलावा नेपाल, भूटान और बांग्लादेश के लोग यहाँ के पापड़ को काफी ज्यादा पसंद करते हैं। इस कारण भागलपुर का पापड़ उद्योग लगातार बढ़ता जा रहा है। कारोबारियों के अनुसार पिछले 2 साल में कारोबार 30% बढ़ गया है। बिहार को मिली लगातार 5वीं जीत। बीसीसीआई द्वारा आयोजित सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी में बिहार का 5वां और प्रथम चरण के आखिरी मुकाबला बीते दिन मिजोरम के साथ चेन्नई के SSN कॉलेज के खेल मैदान पर खेला गया, जिसमें बिहार ने मिजोरम को 6 विकेट से रौंदते हुए जीत का पंच लगाया है और अपना विजय अभियान जारी रखा है। बिहार की टीम अंक तालिका में 20 अंक अर्जित कर अपने शीर्ष स्थान प्राप्त कर इस टूर्नामेंट में नॉकआउट राउंड में प्रवेश कर गई है। आपको बता दें, प्लेट ग्रुप में प्रथम चरण के 5वां और आखिरी मुकाबले में बिहार के कप्तान आशुतोष अमन ने टॉस जीतकर पहले क्षेत्र रक्षण करने का निर्णय लिया था और मिजोरम की टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से अहम मानी जाती है। कलकत्ता में 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना आज के दिन हुई थी। 1957 में भारत द्वारा आर्थिक प्रतिबंध लगाए जाने के बाद दक्षिण अफ्रीका ने भारतीय जहाजों को अपने यहां सुविधा नहीं देने की घोषणा आज के दिन की थी। केंद्र शासित प्रदेश के रूप में मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का उदय 1971 में आज के दिन हुआ था। भारतीय राज्य मेघालय की स्थापना 1972 में आज के दिन हुई थी। भारत में मोबाइल पोर्टेबिलिटी सेवाओं की शुरुआत 2010 में आज के दिन हुई थी। 1945 को भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल का जन्म आज के दिन हुआ था। 2005 को आज के दिन 70-80 के दशक की लोकप्रिय बॉलीवुड अभिनेत्री परवीन बाबी ने दुनिया को अलविदा कहा था। ईवीएम के एक बटन दबाने से 6 प्रत्याशियों के भाग्य का होगा फैसला। बिहार में पंचायत चुनाव की तैयारी जोर शोर से जारी है, जिसके बाद ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि यह मार्च या अप्रैल के पहले सप्ताह से शुरू होकर मई तक संपन्न होने वाली है। इस बार के चुनाव में हालांकि पहले ही मल्टीपोस्ट ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल किए जाने का फैसला ले लिया गया था, जिसके साथ ही कुछ ऐसे कायदे भी बनाए जाएंगे जिससे इस चुनाव की निष्पक्षता पर कोई सवाल न उठाया जा सके। आपको बता दें, पहले पंचायत चुनाव की प्रक्रिया बैलेट पेपर के सहारे पूरी जाती थी और अलग अलग मतपत्रों पर मुहर लगाने की व्यवस्था भी थी, लेकिन इस बार ईवीएम के एक बटन दबाने से ही 6 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला हो जाएगा। रुपेश सिंह मामले में डीजीपी एसके सिंघल ने दी अहम जानकारी। राजधानी पटना के पुनाई चौक पर बीते दिनों इंडिगो के स्टेशन मैनेजर रुपेश सिंह की जान उनके घर के सामने ही ले ली गई थी। पुलिस लगातार इस मामले की जांच कर रही है, मगर अब तक किसी भी सही अपराधी का नाम सामने नहीं आया है, जिसके बाद अब डीजीपी एसके सिंघल ने अपना बयान जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि अभी तक की जांच में एयरपोर्ट पर हुए पार्किंग विवाद में जान लेने की संभावना लग रही है। टेंडर विवाद को भी खंगाला गया है, लेकिन अभी तक कोई भी सबूत हाथ नहीं लगे हैं। पुलिस बिल्कुल सही दिशा पर काम कर रही है और जल्द ही मामले का हम खुलासा कर पाएंगे। हर खेत तक पानी पहुंचाने की शुरू हुई योजना। जल संसाधन विभाग ने अपनी तरफ से हर खेत तक पानी पहुंचाने की योजना का तकनीकी सर्वे का अभियान शुरू कर दिया है, जिसकी जानकारी जल संसाधन विभाग की तरफ से जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने दी है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर उक्त बातें कही हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार विधानसभा चुनाव में हर खेत तक पानी पहुंचाने का वादा किया था। जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि तकनीकी सर्वेक्षण दल प्रत्येक गांव और टोला में किसानों के साथ बैठक करेगा। इस दौरान सिंचित और असिंचित क्षेत्र, उपलब्ध जल स्रोत और असिंचित क्षेत्र के लिए संभावित सिंचाई योजना के संबंध में सुझाव प्राप्त करेगा। उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने सुनी जनता की फरियाद। बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने बीते दिन अपने सरकारी आवास पर जनता दरबार का आयोजन किया था। इस मौके पर उन्होंने राज्य के अलग अलग कोने से आए लोगों की परेशानियां सुनी और उन पर त्वरित कार्रवाई करने का आश्वासन भी दिया। मामलों का उन्होंने ऑन द स्पॉट निपटारा किया, इसके साथ ही कई का आवेदन भी लिया है। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री ने कहा है कि अपराध नियंत्रण के लिए हर जिले के पुलिस अधीक्षक सप्ताह में कम से कम एक बार जनता दरबार जरूर लगाएं, साथ ही लोगों की समस्याओं का निराकरण भी करें। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता दरबार में सबसे अधिक मामले अपराध से जुड़े हुए आ रहे हैं।
अधिकारियों से अब अनोखे अंदाज में काम करवाएंगे मंत्री जी। बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री रामसूरत रॉय ने अपने विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए नई नीति की घोषणा कर दी है। उन्होंने इसको लेकर हाल ही में अपना बयान भी जारी कर दिया है, जिसको लेकर उन्होंने कहा है कि निम्न से लेकर उच्च स्तर के जो भी अधिकारी और कर्मचारी बेहतर काम करेंगे उन्हें वो अपनी सैलरी से इनाम देंगे। इसके साथ जो बेहतर काम करने वालों को मनचाही पोस्टिंग भी मिलने वाली है। सोमवार को गया पहुंचे मंत्री रामसूरत रॉय ने ये जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि इस इनाम के लिए कर्मचारी को अपने काम की योग्यता भी सिद्ध करनी होगी। विभाग के स्तर पर तय सभी मानकों पर सफल होने पर यह इनाम मिलेगा। समस्तीपुर के करियान में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। करियान रोसरा घाट रेलवे स्टेशन के पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थित है। इस स्थान पर दूसरी और छठी शताब्दी की काफी वस्तुएं रखी हुई हैं। करियान में धार्मिक मान्यता है कि यहीं पर उदयचार्य का जन्म हुआ था, जिन्हें भगवान विष्णु का एक अवतार माना जाता है, जो एक विख्यात दार्शनिक थे। बिहार में कई अधिकारियों का हुआ तबादला। बीते दिन बिहार में कई अधिकारियों का तबादला किया गया है, जिसके बाद 7 आईपीएस अधिकारी के बाद एक आईएएस समेत बिहार प्रशासनिक सेवा के 8 अधिकारियों का तबादला कर दिया गया है। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है, जिसके बाद बेगूसराय के बंदोबस्त पदाधिकारी ज्योत सिंह को, पूर्णिया का नगर आयुक्त, पूर्णिया के नगर आयुक्त विजय कुमार सिंह को बंदोबस्त पदाधिकारी बेगूसराय, मुंगेर के बंदोबस्त पदाधिकारी डॉक्टर अजय कुमार को अपर समाहर्ता विभागीय जांच मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर के अपर समाहर्ता अतुल कुमार वर्मा को बंदोबस्त पदाधिकारी मुंगेर, सिवान के जिला परिवहन पदाधिकारी माधव कुमार सिंह को अपर समाहर्ता बांका, अरुण कुमार राठौर को उप विकास आयुक्त कटिहार के पद पर पदस्थापित किया गया है। तेज प्रताप यादव ने पत्रकारों पर कसा तंज। लालू यादव के बड़े बेटे और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव ने बिहार के पत्रकारों को लेकर अपना बयान जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि बिहार में पत्रकारों की ही बहार है भैया, कोई इन्हें डांट खिलाता है तो कोई चाट, बाकी जनता के किस्मत में पहले गोलियां उसके बाद में साहेब लोग के बोली खाना ही लिखा है। आपको बता दें तेज प्रताप यादव ने उक्त बातें हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से पत्रकारों को लगाए गए फटकार और सुशील मोदी की तरफ से खिलाए गए चाट के बाद आई है। मांझी ने चिराग पर साधा निशाना। चिराग पासवान ने हाल ही में बिहार में बढ़ते अपराध पर अपना बयान जारी किया था, जिसके तहत उन्होंने बिहार में डर लगने की बात कही थी, जिस पर अब मांझी ने भी अपना बयान जारी किया है और उल्टा मांझी ने चिराग से ही सवाल पूछा है और कहा है कि चिराग पासवान आप बिहार आते कब हैं कि आपको डर लगेगा। वैसे 2020 के चुनाव में बिहार की जनता मालिक ने स्पष्ट तरीके से बता दिया है कि सूबे की आवाम को सबसे ज्यादा डर आपसे और आप जिसकी मदद कर रहे थे उनसे लगता है, तभी तो आपको और आपके वो छोटे भाई को सत्ता से दूर रखा है। सड़कों पर उतरे शिक्षकों को मिला राजद का साथ। बिहार शिक्षक बहाली को लेकर शिक्षक बीते दिनों से राजधानी पटना के गर्दनीबाग में प्रदर्शन करने उतरे हुए हैं। कांग्रेस पार्टी ने पहले ही अभ्यर्थियों का साथ दे दिया है और नियुक्ति पत्र जारी करने की मांग की है, जिसके बाद अब इन शिक्षकों को राजद सरकार का भी साथ मिल गया है। अब राजद के प्रदेश प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव धरनास्थल पर पहुंचकर अभ्यर्थियों की वेदना सुनते देखे गए हैं। ठंड में अभ्यर्थियों की दशा देखकर शक्ति सिंह यादव ने बिहार सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि नीतीश सरकार युवाओं को गुमराह करके सरकार में आई है। बिहार में 30 जनवरी से शुरू होगी कांग्रेस की आधिकारिक यात्रा। बिहार विधानसभा चुनाव में हार का मुंह देखने वाली कांग्रेस की तरफ से अब चुनाव में मिली हार के बाद पार्टी में जान फूंकने की तैयारी की जा रही है, जिसके परिणाम स्वरूप अब 30 जनवरी से कांग्रेस अधिकार यात्रा शुरू करने जा रही है, जिसकी शुरुआत बिहार के चंपारण से होगी। बिहार कांग्रेस प्रभारी भक्त चरण दास के नेतृत्व में आगामी 30 जनवरी से अधिकार यात्रा की शुरुआत होगी। इस कार्यक्रम को लेकर पार्टी ने फिलहाल 21 जनवरी से प्रस्तावित प्रमंडलीय बैठक को स्थगित कर दिया है। बिहार कांग्रेस प्रभारी भक्त चरण दास ने बताया है कि 21 जनवरी से प्रमंडलवार बैठक कार्यक्रम प्रस्तावित थी, लेकिन देश और राज्य के माहौल को देखते हुए अधिकार यात्रा को सुनिश्चित किया गया है। एक्शन मोड में दिखे पटना के डीएम। राजधानी पटना के जिलाधिकारी अब एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। मिली जानकारी के अनुसार लोगों की समस्याओं के निष्पादन में लापरवाही दिखाने वाले ऐसे 13 पदाधिकारियों के खिलाफ पटना डीएम चंद्रशेखर सिंह ने कार्रवाई की है। इनका एक दिन का वेतन अब रोके जाने का आदेश जारी किया गया है। इतना ही नहीं, 7 अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, डीएम ने सभी अनुमंडल पदाधिकारियों को निर्देश दिया था कि लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए प्रखंड और अंचलों में पदस्थापित आरटीपीएस काउंटर की क्या स्थिति है।
तेजस्वी के नहीं पढ़े लिखे होने का आरसीपी सिंह ने फिर उठाया मुद्दा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अक्सर अपनी डिग्रियों को लेकर सरकारी अधिकारी के निशाने पर आते रहे हैं। इसी क्रम में एक बार फिर से तेजस्वी की डिग्री का जिक्र किया गया है, जिसके तहत जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने राजद नेता तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा है कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर का हाल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार देख रहे हैं, लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात तेजस्वी यादव की तरफ से लिखी गई चिट्ठी को देखकर आता है। जब आपके पास बोर्ड की डिग्री भी नहीं है तो उनकी चिट्ठी आखिर लिख कौन रहा है, किससे चिट्ठी लिखवाई जा रही है? यदि उन्हें देना ही है तो वो बिहार में विकास को लेकर सुझाव दे, हमारी सरकार उनकी मांगों पर जरूर विचार करेगी। गाबा में टेस्ट सीरीज पर टीम इंडिया ने बोला धावा। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए चौथे और आखिरी रोमांचक मैच में भारतीय टीम को शानदार जीत मिली है। ऑस्ट्रेलिया के इस मैदान में टीम इंडिया ने कई इतिहास रच दिए हैं, जिसके तहत ऋषभ पंत के 89 रनों की नाबाद पारी ने टीम इंडिया को शानदार जीत दिलवाई है। ऋषभ पंत के अलावा इस मैच में शुभमन गिल ने 91 रनों की पारी खेली है, वहीं पुजारा ने 56 रनों की शानदार पारी खेली और 328 रन के लक्ष्य को 7 विकेट के नुकसान पर जीत लिया। इस जीत के साथ ही टीम इंडिया ने उन सभी आलोचकों के मुंह बंद दिए हैं जिन्होंने भारतीय टीम के ऑस्ट्रेलियाई टीम के सामने नहीं टिकने की बात कही। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है अशोक राम, समथिंग न्यू इन ह्यूमन माइंड, रंजन राज, उजाला चौधरी, संजीत कुमार भाटिया, कीर्ति मौर्य, सना खान, शबनम कुमारी, चांदनी गुप्ता, इंजीनियर्स, रंजीत मेहता, राजा राम कुमार, अभिषेक यादव, आयुषी राज, शंभुदास, दिव्यांशु कुमारी, ऋतिका राजपूत। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार भारत और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले गए आखिरी मैच में भारत की जीत का मुख्य श्रेय आप किसे देंगे? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप ये वीडियो हमारे यूट्यूब पर देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, और अगर आप ये वीडियो हमारा फेसबुक पर देख रहे हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।